हाय फ्रेंड, मैं चंदन आराध्य चंदन कोर्ट से यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे एक कंटेंट को राइट कर सकते हैं एक एडिटर के मदद से। क्योंकि हमारा जो भी आज तक हो गया, जो भी हमने कर लिया, एक डेटाबेस से हम डेटाबेस को कैसे फैच करके टेबल के अंदर डिस्प्ले कर सकते हो, हमने देख लिया। लेकिन अभी चाहिए क्या हमें, जब भी एड पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने देखा था, हमें जब भी एड पोस्ट पर क्लिक करेंगे तभी क्या होगा, यहाँ पे एक हमारा फॉर्म आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म के मदद से हम कंटेंट को राइट कर सकते हैं, राइट करके हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे डेटा को। ओके, और साथों साथ एक ये भी देखेंगे, और यहाँ पे और एक बात है, जो हमारा कंटेंट एडिटर होगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया लिया, इस टेक्स्ट एरिया में हमारा एक कंटेंट राइटर एडिटर होगा। ओके, तो कंटेंट एडिटर वो इस तरह हो, आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जो भी आपको दिखाया, यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है, ऐसे करके एक कंटेंट एडिटर होगा। ओके, जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा, ओके, जिसके मदद से हम कंटेंट को एडिट करके हम उस एडिट हुआ जो कंटेंट है उसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ओके, और उसको हम फैच करके हमारे क्लाइंट को दिखाएंगे, जो भी हमारा यूज़र होगा उसको दिखाएंगे। ओके, तो अभी बात यही है, अभी इस जो एडिटर है, हमने फॉर्म तो क्रिएट कर लिया, आपको दिखाने के टाइम को सेव करने के लिए हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया, पहले से फॉर्म को क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हमने फॉर्म के अंदर जो भी है एक्शन में इंक्लूड स्लैश फंक्शन डॉट पी एच पी लोकेशन को दे दिया। ओके, अभी बात है जो हमारा एडिटर है, मतलब हमारा जो सी के एडिटर होगा, यहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया ले लिया, उस टेक्स्ट एरिया का एक नेम दे दिया, पोस्ट कंटेंट करके नेम दे दिया। ओके, नेम एट्रीब्यूट दे दिया। ओके, बात यही है, हमारा अभी सी के एडिटर को यहाँ पे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे आने के बाद सी के एडिटर 4 लिख के सर्च करना होगा, उसके बाद आपको इस यूआरएल पे आ जाना होगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा। उससे पहले शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नया वीडियो है आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और हमारा जो चंदन कोर्ट्स यूट्यूब चैनल है इसको आप एक्सेस कीजिए, एक्सेस करने के बाद प्लेलिस्ट पे आ जाइए। आने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी क्रिएट ब्लॉक वेबसाइट यूजिंग पीएचपी एंड माई स्कूल डेटाबेस, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, एक्सेस करने के बाद इसको बुकमार्क कर लीजिए ताकि आपको इसको एक्सेस करने में ज़्यादा ईजी होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वीडियो आने वाली है, अभी भी बहुत ही वीडियो आने वाली है और इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन आने वाली है, तो इसको बुकमार्क अभी कर लीजिए। ओके, इसको क्लोज कर देते, इसको क्लोज करने के बाद हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया लिया, इस टेक्स्ट एरिया को हमें एक एडिटर में ट्रांसफ़र करना होगा। ओके, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो लिंक लिया इसमें आने के बाद ये जो फुल पैकेज है, इस फुल पैकेज को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ओके, डाउनलोड कर लीजिए और साथों साथ सी के एडिटर फाइल ब्राउज़र करके एक सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद ये जो लिंक होगा पहले वाला, उस लिंक पे आ जाना होगा। आने के बाद इस पेज तक आप आ जाओगे। ओके, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अब जब भी ये दोनों फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी तब क्या करना होगा, तब भी सी के एडिटर और फाइल ब्राउज़र इस दोनों को एक्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ये जिप फाइल में होगा। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद सी के एडिटर को आपका जो एडमिन पैनल होगा, मतलब हमारा जो एसटीडॉक के अंदर जो हमारा वेबसाइट का ये होगा फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर जो है हमारा एडमिन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आप सी के एडिटर को, जो सी के एडिटर फाइल फोल्डर होगा उस फोल्डर को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, पेस्ट करने के बाद जो फाइल ब्राउजर का जो भी ये होगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइल ब्राउजर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका जो फोल्डर होगा, उस फोल्डर को आप सी के एडिटर के अंदर जो प्लगइन्स होगा, प्लगइन्स के अंदर इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, जैसे हमारा यहाँ पे फाइल ब्राउजर। ओके, तो अभी सब कुछ हो गया, इतना तक सही है। तो यहाँ पे जब भी ये हो जाएगा उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर पहले तो जो टेक्स एरिया होगा उस टेक्स एरिया के ऊपर हमें अभी जेक्वायरी को ले लेते हैं, जेक्वायरी सीडीएन को गूगल पे सर्च कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो जेक्वायरी सीडीएन को आप सर्च कर लीजिए, सर्च करने के बाद सीडीएन को यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए। ओके, और साथों साथ क्या करना होगा, यहाँ पे और एक
स्क्रिप्ट लेकर यहाँ पे सिक के एडिटर का जो सोर्स होगा उस सोर्स को दे देना होगा। मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स लिया लेना होगा, सोर्स में क्या देना होगा, जो सिक के एडिटर है उस सिक के एडिटर के अंदर जो जहाँ पे सिक के एडिटर डॉट जे एस करके फाइल होगा उस फाइल को हमें यहाँ पे चाहिए, जैसे हमने इंक्लूड और रिक्वायर कहा था PHP के अंदर वैसे सेम है। तो यहाँ पे हम इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ओके तब इंक्लूड कर लिया ताकि हमारा जो भी सिक्के एडिटर का जो भी फंक्शन होगा, सिक्के एडिटर का जो भी प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके तो अभी हमें इस टेक्स्ट एरिया को हमें एक एडिटर में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक और स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे, स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें इसको पहले क्लोज कर देते हैं। ओके यहाँ पे हम क्विक स्टार्ट गाइड पे चले आते हैं, या आप डॉक्यूमेंटेशन भी जा सकते हो। यहाँ पर आने के बाद सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कोड दिखाई देगी। ओके जैसे यहाँ पे ओके इस कोड को आप डिटो कॉपी कर लीजिए, इस कोड को नहीं सॉरी यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट टैग लिया इसके अंदर हम पेस्ट कर देते। ओके पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव कर लेते, और सॉरी यहाँ पे कंटेंट, जो कंटेंट आईडी लिया है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे एक कंटेंट पोस्ट कंटेंट करके एक आईडी लिया, उस आईडी को हम कॉपी कर लेते और यहाँ पे पेस्ट कर देते। ओके सही है, यहाँ पे सेव कर लेते। सेव करने के बाद हमें जो भी हमारा पब्लिश पोस्ट उस पेज को रिफ्रेश कर लेते, अभी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी काम इसके ऊपर बहुत ही बाकी है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत कुछ इमेज अपलोड का सिस्टम भी देखना होगा, ताकि जब भी हमें इमेज की ज़रूरत होगा कंटेंट के बीच में तब भी हम एक कुछ प्रॉब्लम तो हुआ है यहाँ पे लगता है सिक्के एडिटर डॉट जेएस। ओके सही है, सिक्के एडिटर डॉट रिप्लेस। ओके इसको छोड़ देते अभी के लिए, यहाँ पे इसको लेते हैं और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा प्लगइन्स दे देते हैं, पोस्ट कंटेंट को भी दे दिया और सिक एडिटर को भी दे दिया। ओके एक्स्ट्रा प्लगइन क्या देना होगा, एक्स्ट्रा प्लगइन हम यहाँ पे फाइल ब्राउजर दे देते, क्योंकि हमें जो फाइल ब्राउजर अब करके जो प्लगइन है उस प्लगइन को हमने ले लिया था, डाउनलोड किया था और उसको हमने प्लगइन में दे दिया था। ओके जो सीके एडिटर के अंदर जो प्लगइन फोल्डर है उस फोल्डर में हमने दे दिया था, तो हमें क्या करना है, वो जो प्लगइन है उस प्लगइन को यूज़ करने के लिए हमें इस यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लगइन करके इसके अंदर इस प्लगइन को दे दिया। ओके फाइल ब्राउजर इसको सेव कर लेते, सीके एडिटर ओके डॉट रिप्लेस पोस्ट कंटेंट। ओके सही है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे चला आया लेकिन रिफ्रेश कर लेते फिर से भी, क्योंकि यहाँ पे कलर वाला आ रहा है तो हमें कलर वाला नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने जो भी थीम का जो कलर चूज किया था, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज और यहाँ पे UI जो कलर, उस कलर की वजह से हमें यहाँ पे कलर सा मिल रहा था। ओके तो अभी हमें यहाँ पे इसको कर लेते हैं, एडिटर रिप्लेस पोस्ट कंटेंट। ओके फाइल ब्राउजर सही है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, काम करते हैं, ऐसे इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम
जो थीम कलर था उसको ही ले लेते पहले, तो आपको दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसको भी दे देते, सेव कर लेते और फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते। ओके, हमें यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट एडिटर वो मिल जाना चाहिए। ओके, थोड़ा लेट हो रहा है। ओके, हमारा टेक्स्ट एडिटर हमें मिल गया। ओके, सही है। हमें यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट राइट करके यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम राइट करके या से कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। ओके, कुछ भी हम कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, स्टाइल में कोई भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी हमें यहाँ पे अगर इमेज की ज़रूरत है, समझो इमेज की ज़रूरत है लेकिन यहाँ पे कोई भी अपलोड का ऑप्शन नहीं है, सही है। तो अभी हमें इमेज अगर लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे हमें और एक काम करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको कर देते, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो भी प्लगइन लिया था उस प्लगइन को इंक्लूड कर लो। पहले भी बता चुका हूँ, सॉरी, फाइल ब्राउज़र को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें और एक काम करना पड़ेगा, जो अपलोड फाइल ब्राउज़र ब्राउज यूआरएल, ब्राउज यूआरएल क्या होगा, जो ब्राउज का यूआरएल होगा वो क्या होगा, सॉरी, ब्राउज़र डॉट पी एच पी। ओके, ब्राउजर डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क टाइप इक्वल्स टू क्या होगा, इमेजेस, सही है, टाइप इक्वल्स टू इमेजेस होगा। उसके बाद हम और एक कंडीशन देंगे, यहाँ पे ब्राउजर ब्राउजर नहीं, यहाँ पे अपलोड देते, अभी अपलोड चाहिए, अपलोड मेथड, कौन सा मेथड पे अपलोड होगा, फॉर्म के मेथड से होगा, फॉर्म भी एक मेथड होता है यहाँ पे। फॉर्म में ले लेते और उसके बाद फाइल ब्राउजर अपलोड यूआरएल कर देते। ओके, अपलोड यूआरएल। ओके, अपलोड यूआरएल में हम क्या दे देंगे, इसको यस है, अपलोड करके फाइल दे देंगे जिस फाइल को हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। आपको देखा देता हूँ फिर से भी, पहले तो हम इसको देख लेते हैं, इसको दे दिया। ओके, और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। सब कुछ सही सही आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे कंटेंट एडिटर, कंटेंट एडिटर, कंटेंट एडिटर थोड़ा लेट हो रहा है। ओके, सही है, यहाँ पे कलर भी चला गया क्योंकि हमने यहाँ पे कलर यूज़ नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें इमेज ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड का जो ऑप्शन वो चला आया। ओके, लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर हमने जो भी अपलोड का जो फाइल है उस फाइल में अगर कोई भी प्रोग्राम, PHP का जो प्रोग्राम है, अपलोड का जो प्रोग्राम, वो अगर नहीं लिखा है यहाँ पे तो अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे तो फाइल को, मतलब जो भी फाइल हमने अपलोड कर रहा है उस फाइल को तो यहाँ पे भेज देगी, अपलोड फाइल पे, मतलब ये जो फाइल है इस फाइल पे भेज तो देगी उस इमेजेस को, लेकिन उस इमेजेस को हमें सर्वर तक अपलोड करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइल है, मतलब ये फाइल में एक रिक्वेस्ट जाएगी, फाइल का रिक्वेस्ट जाएगी। ओके, फाइल का रिक्वेस्ट जाएगी फॉर्म की मदद से, और उस फाइल को हमें अगर सर्वर में अपलोड करना है तो हमें PHP का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ओके, तो उसको करने के लिए हमने ऑलरेडी PHP का प्रोग्राम लिख कर रखा है, अपलोड करके एक फोल्डर फाइल ले लिया, उसके अंदर हमने PHP का प्रोग्राम लिख के रखा है। ओके, तो
तो यहाँ पे प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लिख कर रखा है आपको टाइम को सेव करने के लिए। यहाँ पे हमने क्या बोला, इफ इस सेट फाइल्स, हमने अभी तक देखा था क्या, पोस्ट और गेट। ओके, यहाँ पे फाइल को जब लेंगे तब फाइल्स आएगा। अगर फाइल्स अपलोड अपलोड करके कोई भी फाइल्स आ रहा है, मतलब यहाँ से जो अपलोड करके जो भी फाइल आ रहा है उस फाइल का जो नेम होगा, और सॉरी यहाँ पे हमने स्टोर किया। अगर अपलोड नेम करके कोई भी फाइल आ रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो क्या होगा, उस अपलोड का जो नेम होगा उसको हम फाइल को हम यहाँ पे ले लेंगे इस फाइल वेरिएबल के अंदर, और साथ साथ उसका जो टेम्प होगा, टेम्प मतलब टेम्पोररी जो ये होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे इस वेरिएबल के अंदर। ओके, और साथ साथ हमने क्या किया, यहाँ पे रैंडम नेम करके एक रैंडम नेम ले वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर क्या किया हमने 8x0 और 8x9 कर दिया, ताकि रैंडमली हमें नंबर मिलता रहे, क्योंकि उस नंबर के मुताबिक हम फाइल का नेम क्रिएट कर लेंगे, रीनेम करेंगे। ओके, क्योंकि हर एक इमेजेस के लिए अलग अलग नेम होता जाएगा। ओके, इसके लिए अगर आप इसको नहीं चाहते तो इसको भी छोड़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जिस फाइल के नेम से आप अपलोड करोगे उसी फाइल के नेम से ही रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा तभी। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोर कर लिया, एक्सप्लोर किससे साथ, डॉट के साथ, मतलब जो फाइल के नेम और फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उस एक्सटेंशन के बीच पे एक डॉट होता है, उस डॉट के मुताबिक हमने एक्सप्लोर कर लिया, डिवाइड कर लिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एक्सटेंशन कर लिया क्या, इंड में, मतलब जो फाइल का इंड में जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन को हमने यहाँ पे ले लिया इस वेरिएबल के अंदर। ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मूव अपलोडेड फाइल करके एक फंक्शन है पीएचपी में, मूव अपलोडेड फाइल करके एक फंक्शन है, उस फंक्शन के मदद से हम इसी फाइल को अपलोड कर देंगे कहाँ पे, हमारा जो सर्वर है, मतलब जहाँ पे हमारा सर्वर की लोकेशन है उस लोकेशन में जहाँ पे हमारा फाइल को अपलोड करना है उसी जगह पे हमने अपलोड कर लिया। ओके, तो अपलोड कैसे किया, हमने इस फंक्शन को यूज़ किया, साथ साथ जो टेम्प है उस टेम्प को भी, मतलब टेम्पोररी जो नेम टेम्पोररी होता है उस टेम्पोररी फाइल का जो टेम्पोररी होता है उसको हमने यहाँ पे दे दिया, और साथ साथ हमने क्या बोला, जो लोकेशन होगा उस लोकेशन क्या होगा, इमेजेस, मतलब डॉट डॉट करके, पहले तो यहाँ पे डॉट डॉट मतलब डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है जो फोल्डर पे अभी है उस फोल्डर से बाहर जाना होगा, बाहर जाने के बाद इमेजेस करके जो फोल्डर होगा उस फोल्डर में ब्लॉक इमेजेस करके जो फोल्डर है उस फोल्डर में हमें एक फाइल अपलोड करना होगा, फाइल का नेम क्या होगा, रैंडम नेम। ओके, मतलब ए वाला जो रैंडमली नंबर मिलेगा उस नेम से मिलेगा, उस नेम वो वाला नेम चाहिए, और साथ साथ एक्सटेंशन में क्या, एक्सटेंशन मतलब जो एक्सटेंशन मिला है उस फाइल का। ओके, तो अभी हमें मिल गया, इस नेम से मिलेगा और एक्सटेंशन दे देगी। ओके, और जो फाइल जाएगी वो फाइल टेम जाएगा। ओके, तो अभी हमारा फाइल भी अपलोड हो चुका है, लेकिन अभी हमारा फंक्शन ले लिया एक वेरिएबल, फंक्शन वेरिएबल क्यों ले लिया, क्योंकि सी के एडिटर में फंक्शन नंबर करके एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम गेट रिक्वेस्ट देकर उसका जो कॉल होता है हम ले सकते हैं, जो फंक्शन नेम उसको हम कॉल करेंगे, कैसे हम बाद में दिखाते हैं आपको। फंक्शन वेरिएबल पे ले लिया उसको, गेट फंक्शन नंबर, गेट सी के एडिटर फंक्शन नंबर, उसको गेट में ले लिया। उसके बाद क्या किया, URL पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमारा वेबसाइट का लोकेशन होगा, मतलब लोकल होस्ट में ब्लॉक, उसके बाद इमेजेस, उसके बाद ब्लॉक इमेजेस। ओके, यहाँ पे हमारा इमेजेस को अपलोड किया गया था, तो हमने टोटल लोकेशन को ले लिया, यहाँ पे रियल जो लोकेशन है उस लोकेशन को यहाँ पे ले लिया, और साथ साथ रैंडम फाइल को दे दिया, रैंडम नेम को दे दिया और एक्सटेंशन को भी दे दिया। ओके, और यहाँ पे मैसेज में क्या किया हमने, इको कर दिया यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर, क्या विंडो डॉट पेरेंट, मतलब जो भी विंडो है उसके पेरेंट में हमें क्या चाहिए, सीके एडिटर डॉट टूल्स, मतलब सीके एडिटर में जो टूल्स है उस टूल्स में हमें एक कॉल फंक्शन, मतलब एक फंक्शन को कॉल करना होगा। क्या फंक्शन को कॉल करना होगा, यहाँ पे जो फंक्शन करके दिया है हमने उस फंक्शन को कॉल हो जाएगा, और साथ साथ URL को भी पास कर देगा और मैसेज को भी पास कर देगा, लेकिन हमें जो URL मैसेज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप छोड़ सकते हो, फिर भी आपने यहाँ पे तीनों पैरामीटर को पास करना है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने URL को पास कर दिया। ओके, मतलब ए वाला इमेजेस का जो URL होगा वो हमारा बॉक्स पे चला जाएगा, ताकि हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे इंसर्ट करके ले सकते हैं। ओके,
तो हमारा लोकेशन भी सही है, तो इसको सेव कर लेते हैं या फिर रिफ्रेश कर लेते एक बार। और इसके बाद हम यहाँ से डायरेक्टली इमेजेस को भी अपलोड कर सकते भी। ओके सही है। तो अभी हमें इमेजेस को अपलोड करने के लिए या फिर चले जाते ब्लॉग, ब्लॉग इमेजेस के अंदर। ओके और यहाँ पे हमारा सीके एडिटर आ जाएगा, हम यहाँ पे इमेजेस को अपलोड करेंगे। अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है। ओके आ गया हमारा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिख लेते, चंदन चंदन कोट्स यू चैनल। वेलकम टू चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। ओके हमारा एक टाइटल क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अगर हेडिंग दे दिया, फर्स्ट हेडिंग जो नंबर वन का हेडिंग होता है वो दे दिया। उसके बाद अगर हमने चाहता है अगर यहाँ पे कोई भी इमेजेस लेने के लिए इमेजेस चाहता हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इमेजेस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद जो अपलोड का है वहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चूज फाइल। अगर यहाँ से हम जो बिल गेट्स को भी अपलोड कर, कोई बोलो नहीं स्लाइडर करके इसको हम अपलोड कर लेते हो क्या, तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया और सेंड टू इट द सर्वर। ओके हमें सर्वर तक मिल गया। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको 100% कर देते हैं, इसको 100% हाइट एंड विड्थ दे देते। अब ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हो इमेज का। ओके अब हमारा जो इमेजेस वो यहाँ पे मिल गया। आप यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। ओके कंटेंट को राइट करने के लिए। ओके तो अभी हमें यहाँ पे अगर कोई भी पैराग्राफ लिखना है, अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं ना, अभी के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी लिस्ट चाहिए तो उस लिस्ट को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो लिस्ट लिस्ट यहाँ पे 1 2 करके ले लेते हैं या पॉइंट करके भी ले, 1 2 करके ले लेते। उसके बाद लिस्ट आ गया, यहाँ पे हम लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके लिस्ट, अगर लिस्ट को छोड़ना है तो डबल क्लिक करना होगा, डबल एंटर करना होगा। उसके बाद हमें इसके बाद कोई भी हम कंटेंट को राइट कर सकते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखते हैं। ओके तो अभी हमारा कंटेंट तो राइट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो अपलोड इमेज मतलब जो बैनर का इमेज होगा उस बैनर का इमेज को भी हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ओके तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, क्या कर लिया, यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमने एक्शन पे इंक्लूड फंक्शन करके जो फाइल है बैकएंड का जो फाइल है उस फाइल को हमने दे दिया जहाँ पे हमारा बैकएंड का प्रोग्राम लिखा है। ओके और पोस्ट करके एक मेथड दे दिया, मेथड के अंदर पोस्ट दे दिया ताकि पोस्ट मेथड के थ्रू ये फॉर्म को सबमिट कर जाएगी। ओके उसके बाद और एक बात आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्म के मदद से यहाँ पे हमारा जो बैनर है उस बैनर को अपलोड करने वाले हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई एन सी टाइप करके एक एट्रीब्यूट है फॉर्म के, उस एट्रीब्यूट को आपको यहाँ पे देना होगा। उस एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को आप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा मतलब मल्टी फॉर्म डेटा को मल्टीपार्ट में हमें पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से इस फाइल में हिट करना होगा, मतलब जो अपलोड करना होगा या सबमिट करना होगा। ओके तो हमें यहाँ पे सारे कुछ सही है, अगर इसको छोड़ोगे तो अपलोड फाइल अपलोड नहीं होगा। ओके मतलब जो भी इमेजेस या फाइल होगा वो अपलोड नहीं होगा, तो इसको देना ही पड़ेगा अगर इमेजेस को अपलोड करना है तो। ओके तो अभी हमें जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तभी क्या होगा, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म का डेटा सबमिट हो जाएगा। तो अभी फंक्शन में हमने ऑलरेडी इसको लिख के रखा था, हमने दोनों वीडियो हो गया, दो वीडियो हो गया जिसके अंदर हमने
फॉर्म को सबमिट कैसे कर सक करते हैं हमने देख लिया। ओके तो इसीलिए हमने इसको ऑलरेडी पहले से भी राइट करके लिख रखा था ताकि आपको जो टाइम है उस टाइम को कर सकता हो। ओके और सही है, कुछ प्रॉब्लम प्रिंट पे आ गया। ओके इस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्म का डेटा वो यहाँ पे ले लिया, जब भी पब्लिश न्यू पे क्लिक होगा तब भी क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म का जो भी डेटा है उसको ले लिया और साथों साथ फाइल को भी, यहाँ पे जो नेम और टेम्प नेम उसको भी ले लिया और यहाँ पे मूव अपलोड करके जो फाइल मूव अपलोडेड फाइल करके उसमें हमने इस फाइल को भेज दिया, मतलब अपलोड कर दिया। ओके उसके बाद अपलोड URL, उसके अंदर हमने एक्सटेंशन के साथ जो फाइल का फुलफिल लोकेशन है मतलब जो फाइनल लोकेशन है उस लोकेशन को दे दिया अपलोड URL में। और उसके बाद क्वेरी के अंदर हमने MySQLite क्वेरी उसके मदद से क्या किया, इंसर्ट इनटू ऑल पोस्ट, मतलब ऑल पोस्ट करके जो टेबल है हमारा डेटाबेस के अंदर, मतलब जो डेटाबेस है कौन करके जो डेटा कौन करके जो वेरिएबल के अंदर जो भी हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया उस कनेक्शन को हमने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे बोला क्या, इस कनेक्शन में जो भी ऑल पोस्ट करके टेबल होगा उस टेबल के अंदर जहाँ पे उस टेबल के अंदर हमें ए वाला डेटा चाहिए, ए वाला डेटा हमें इंसर्ट कर दो। ओके मतलब टाइटल इक्वल्स टू टाइटल जाएगा, कैटेगरी इक्वल्स टू कैटेगरी, स्लैग इक्वल्स टू स्लैग जाएगा और बैनर इक्वल्स टू अपलोड बैनर जाएगा। ओके और उसके बाद हमने सक्सेसफुली इसको दे दिया और यहाँ पे जब भी इंसर्ट हो जाएगा तब भी एक मैसेज थ्रो कर दिया, एडिट पोस्ट सक्सेसफुली और उसके बाद अपलोड फेल्ड। ओके तो अभी हमें आपको फॉर्म को थोड़ा देखा देता हूँ। जो फॉर्म है हमें यहाँ पे जो सिलेक्टर है स्टेटस का सिलेक्टर में हमने क्या किया, वैल्यू एक्टिव का जो लिया उस एक्टिव का वैल्यू 1 ले लिया और इनएक्टिव का 0 ले लिया। ओके तब भी जब भी एक्टिव सिलेक्ट करेंगे तब भी डेटाबेस में हमारा जो स्टेटस का वैल्यू जाएगा वो 1 जाएगा और इनएक्टिव में 0 जाएगा। ओके और कीवर्ड में कीवर्ड जब भी लिखेंगे कीवर्ड जाएगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्यों लिया वो आपको बाद में पता चलेगा, हमने ऑलरेडी एक बार बता दिया था। ओके और कैटेगरी में हमने वर्डप्रेस जावास्क्रिप्ट PHP और बूटस्ट्रैप को ले लिया और वैल्यू में सेम उसको दे दिया। ओके और यहाँ पे फाइल अपलोड के लिए हमने एक यहाँ पे फाइल अपलोड के लिए इनपुट टैग लिया, उस इनपुट टैग के अंदर टाइप में फाइल दे दिया ताकि इनपुट मिलता जाए। ओके सही, ओके सेव कर लेते, इसको अभी हमें सेव करना होगा। यहाँ पे हम कोई कुछ भी पोस्ट लिख लेते, थैंक यू डेवलपर उशी लर्न स्लग में हमको जैसे स्लग में इसको ही दे देते। स्लग के अंदर हमें ये वाला क्वेश्चन देना होगा बीच में। ओके जहाँ पे स्पेस होगा था वहीं पे हम इसको दे देंगे। ओके सही है, उसके बाद कंटेंट भी हमारा रेडी हो गया। उसके बाद जो फाइल उसको दे देते हैं यहाँ पे क्लिक करके, जो बैनर का फाइल होगा यहाँ पे हम इसको ही अपलोड कर लेते। उसके बाद जो कैटेगरी होगा वो PHP कर देते और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। कीवर्ड में भी सेम दे देते, आप कुछ भी दे सकते हो आपके मुताबिक। हाँ अभी हम तो डेमो के लिए एक्टिव कर देते। ओके और यहाँ पे पब्लिश, जब भी पब्लिश क्लिक करेंगे तब भी वो पोस्ट पब्लिश हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ओके हमारा 2 था पहले और अभी 3 आ गया। ओके डेटाबेस में 2 है, ब्राउज कर लेते। और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते
क्योंकि यहाँ पर एक्टिव है, दो एक्टिव है और वन एक पोस्ट इनएक्टिव है, तो इसको नहीं देखना चाहिए, एक दो को देखना चाहिए। ओके, ए वाला और ए वाला दोनों को देखना चाहिए। ओके, तीनों तीनों पोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे ओके सही है, दोनों पोस्ट हमारा आ गए यहाँ पे। ओके, तो सही है सब कुछ। ओके, तो आज के वीडियो इतना तक, अब से मिलते हैं अगले वीडियो पे। आने वाली वीडियो पे हम बहुत कुछ सीखने वाले, क्योंकि हमारा जो भी कैटेगरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते, और यहाँ पे हमें जो भी कैटेगरी होगा वो यहाँ पे हमने मैनुअली दिया है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम डायनेमिकली यहाँ पे जो कैटेगरी हमारे डेटाबेस में रखा था रखा है उस कैटेगरी को हम यहाँ पे कैसे फेस कर सकते हैं। और साथों साथ हम ये भी देखेंगे जो भी हमारा एडिट का ये होगा फैसिलिटी होगा, यहाँ पे एडिट का जो भी फैसिलिटी होगा, मतलब जब जब भी हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तभी क्या होगा, इस जो पोस्ट होगा ब्लॉग होगा, इस ब्लॉग को हम कैसे एडिट करके फिर से उसको अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना तक, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो का जितना सारी सोर्स कोड होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन की मदद से दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।